अभी तक खाना नहीं बना? नहीं खाना नहीं बना। अच्छा बहुत लेट हो गया, 6:30 बज गए। ये देखिए जी माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन, ये देखिए जी इसके अंदर से भी लुक दिखा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है, बिल्कुल खैरियत से है। उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो अभी बहुत ज्यादा ठंड है जी, तो मैं अभी नीचे बैठी हुई हूँ अपने हस्बैंड साहब के पास। तो आज ये भी जी बाइक पे गए हैं, 2-3 दिन चक्कर लगाए, को भी ठंड लगी हुई है, हीटर इधर लगाया हुआ है, अभी गैस आ रही है। तो आज खाना भी बनाना है, पता नहीं जी आज खाने में कह रहे हैं जी आलू वाले कबाब बनाए, तो उसमें जी जो चीजें थोड़ी कम पड़ रही थी वो बच गई हैं जी, इधर पास ही लेने, तो वो लेके आती हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और मैं जी ऊपर जाती हूँ, वो देखती हूँ कि क्या क्या करना है, क्या करने वाला है। तो आप फिर अभी जाएंगे इरमा को लेने? मैं अभी जाऊंगा 4:30 बजे। हाँ जी, ये 4:30 बजे जाएंगे जी छोटी इरमा को कॉलेज से लेने। तो मैं जी छत पे जा रही हूँ, तो अपनी जी रूटीन भी शेयर करते हैं और आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। ये है जी आलू, इनको जी मैंने वॉश किया है जल्दी जल्दी और मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया जी। तो बाजी आती है तो फिर बाकी की जी वो चीजें इसमें डालते हैं, जो जो भी वो आपके साथ शेयर करते हैं। आपको जी बाहर का मौसम दिखाते हैं कैसा है। वही जी हसबे मामू, बहुत ज़्यादा ठंड है आज, कुछ ज़्यादा ही ठंड है जी। देखिए जी कहीं भी कुछ भी नहीं निकला हुआ, सूरज का कहीं भी नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे जी बाजी ने बाजमीना ने कपड़े वॉश किए हैं आज, मशीन लगाई हुई थी जी सुबह की, काफ़ी ज़्यादा कपड़े धोए हैं जी बाजी ने। तो ये देखिए इधर हर तरफ जी ठंड ही ठंड। आज जुम्मा है जी, आप सबको हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। देखिए जी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं, अभी तक जी बाजी नहीं आई, अभी आती हैं। आ गई हैं बाजी, बाजी आ गए हो? हाँ जी बाजी आ गई हैं जी। तो अच्छा देखिए जी इसमें साथ दरवाज़ा नहीं खोल रहे, बाजी दरवाज़ा जो है वो बजा रही है। आ गए हो? ये देखिए जी बाजी ले आई हैं चीज़ें, ये जी धनिया, अच्छा ये गाजर और ये धनिया आ गया जी। पीली गाजर नहीं थी? तो फिर जी बाकी के काम भी स्टार्ट करते हैं। ये जो गाजर बाजी लेकर आई है उसको जी मैंने कद्दूकश करना स्टार्ट कर दिया है, और बाजी इधर जी जो प्याज है उसको कद्दूकश करेगी। तो खिड़की थोड़ी खुली है, लाइट चली गई है, बहुत ठंडी हवा आ रही है, बाजी शार्ट के लिए हमने खिड़की खोली है, अभी इसको जी बंद कर देंगे। मगरब की जी अजान हो रही है और लाइट अभी अभी आ रही है जी, 1.5 घंटा लाइट जाती है। तो सारी चीजें जी हमने उस वक्त की तैयार कर ली है, लेकिन लाइट नहीं थी, अंधेरा था। तो अब आपके साथ शेयर करते हैं, ये है जी 2 अदद गाजर जिसको जी मैंने कद्दूकश कर लिया है, और ये प्याज है जी हमारे 2 अदद, ये सब्जी मिर्चे, ये सारा कुछ हमने इधर तैयार कर लिया है। और अब बाजी देखेंगे जी आलू, आप चेक करें बाजी आलू, चलो जी आलू चेक करें, गल गए हैं जी। चले जी और इसके छिलके उतारती हैं बाजी, और मैं जी दूसरी चीज़ें तैयार करती हूँ। तो व्यूअर्स यहाँ पे जी मैंने अपनी सारी रेसिपी का सामान रख लिया है, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे क्योंकि टाइम हो चुका है जी 5:30 होने वाले हैं। तो खाना अभी बिल्कुल जी नहीं बना क्योंकि लाइट नहीं होती ना गैस होती है। तो बाजी ने जी आलू छील रही है और मैं अपनी जो दूसरी बाकी की चीजें जी वो तैयार कर देती हूँ। तो सबसे पहले जी डाल देते हैं घी, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी और आपको बताते हैं जी आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम जी स्पेशल आलू वाले कबाब बना रहे हैं, तो रेसिपी होगी जी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की, तो आपने जी साथ साथ रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना,
तो डालते हैं जी सबसे पहले प्याज, और प्याज है जी हमारे 2 अदद, तो इनको जी सबसे पहले फ्राई करेंगे। ये देखिए जी हमारे प्याज जो है थोड़े नरम पड़ गए, इनको फ्राई नहीं करना जी, सिर्फ इनकी स्मेल थोड़ी सी खत्म करनी है। अब इसमें मैं डालने लगी जी गाजर, और गाजर है जी हमारी 2 अदद। अब इसको जी इसमें शामिल करेंगे, इसको भी जी हल्का हल्का फ्राई करेंगे। ये देखिए जी हमारा जो गाजर और प्याज का मसाला है जी वो अच्छी तरह गल चुका है और फ्राई भी हो चुका है। ये देखिए जी, और इधर हमने जी आलू भी मैश कर लिए हैं। तो अब जी ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो इसको सारी चीजें जी आलू में सारी चीजें हम मिक्स करते हैं। तो ये देखिए जी हमारी गाजर प्याज और ये जो आलू हमने मैश किए हैं, अब इसमें जी मसाले मिक्स करने लगे हैं जी। इसको ठंडे होते हुए जी थोड़ा टाइम लग गया है, तो करते हैं जी फिर अपने मसाले इसमें मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू है जी हमारे 1.5 किलो, 1.5 किलो आलू है हमारा। मैदा 1 प्याली, अब इसे डालेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी हमारी आधी प्याली चीज, तो ये भी डाल देंगे जी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है जी हमारी सब्ज मिर्चे तकरीबन 4 अदद, ये चॉप कर ली है जी, अब इसे भी डालेंगे। और ये है जी थोड़ा सा धनिया, तो अब इसे भी डाल देंगे। एक समय डालेंगे जी काली मिर्च, डालेंगे जी नमक, एक समय डालेंगे जी सुर्ख मिर्च। हम इसे करेंगे जी अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स। ये देखे जी हमारा मसाला तैयार हो चुका है, मैंने अच्छी तरह जी इसे मिक्स कर लिया है। तो अब मैं जाऊंगी जी वहां पर चूल्हे के पास और बनाऊंगी जी इसके कबाब। हाँ जी, अभी तक खाना नहीं बना? नहीं खाना नहीं बना। अच्छा, बहुत लेट हो गया, 6:30 बज गए। आज 2 वीडियो अपलोड होने थी। अच्छा अच्छा, 2 वीडियो आज करनी थी, इस वजह से लेट हो गया काम। चलें कोई बात, थोड़ा वेट कर ले। ठीक है, वेट कर लेते हैं। देखें जी बाजी मीना इधर बैठ गई है, उनको भी भूख लगी हुई है, तो बाजी भी आ गई है दूसरी, मिलके जी दोनों जल्दी जल्दी हम कबाब बनाते हैं, साथ रोटियां बनाते हैं, फिर खाना तैयार। देखे जी हम बैठ गए जी चूल्हे के पास, हस्बैंड साहब बैठ गए थे, मुझे ठंड लग रही है, तो सारे चूल्हे के पास बैठते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं जी। अब बनेंगे जी कबाब, तो सबसे पहले मैं डालूंगी बाजी। चले जी घी डाल देते हैं, तवा रख ली है जी। एक अंडा जी हमने फेंट लिया है और एक अंडा इसमें हमने डाला हुआ है। तो एक बच्चा मुझे बोल के गया है कि मेरे कबाब के ऊपर जी आपने अंडा लगाना है, हालांकि मैंने बोला है कि इसके अंदर हमने डाले हुए हैं। तो एक लोग वैसे बनाते हैं, तो बाकी जो है वो अंडे के अंदर डिप करके बनाते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी आवाज करने लगे हैं जी, बिस्मिल्लाह। ये जी साथ साथ बनाते जाएंगे और इसको फ्राई करती जाऊंगी कबाब को। अच्छा।
तो मैं ये देखें जी खाना बहुत लेट हो रहा है, तो इस तरफ जी बाजी बनाएगी कबाब और मैं बना लेती हूँ जी साफ रोटी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही। चलो वो तवा मुझे दे दे जी, तो दो तवे रखे और ये वाला जो तवा जी हमारा ये स्पेशल जी हमने रखा हुआ है कबाब बनाने के लिए, और ये वाला जो तवा सारे लोग कहते हैं गंदा है गंदा नहीं है, अब नया लाएंगे तो फिर ये वैसे तो हमारे पास लोहे का पड़ा हुआ है फिर उसे यूज कर लेते हैं। और ये जी बाजी आप बना रही है कबाब, ये देखिए जी जी ये वाले जो शामी कबाब है ये हमारे जी बन गए हैं। देखिए जी ये वाला कबाब तैयार हो गया, इसके उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये वाला दीदी चलिए जी ये देखिए जी कबाब माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं। अभी बैठे ना बना लो अभी थोड़े बन जाते फिर साथ में रोटी बना लेती हूँ ना फिर खा के जाए। आप किधर जा रहे हैं? आप नमाज पढ़ नहीं ले ईशा की? चले पढ़ आए फिर। चले जी ये जी कबाब बनते हैं तो फिर खाना जी सबने खाना है, सबको भूख लगी हुई है। बाजी भी मीना भी इधर देखे जी, बाजी ने आज कपड़े धोए हैं तो देखे जी इनको ठंड लगी हुई है, तो इधर मैंने कहा बैठते हैं चूल्हे के पास। तो जी अभी हम इसको अंडा नहीं लगा रहे, वैसे ही डाल रहे हैं। अंडा जी इधर पड़ा, ये अब झटपट बन रहे हैं जल्दी जल्दी माशाल्लाह अच्छे बन रहे हैं जी। ये देखिए जी माशाल्लाह गोल्डन गोल्डन कबाब आ रहे हैं जबरदस्त। ये देखिए जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे कबाब बनने लग गए हैं, थोड़े थोड़े गोल्डन ज्यादा हो गए। शामिल कबाब। लेकिन जी आज हमने अपनी रूटीन जो है वो चेंज कर दी, सारे लोग कहते हैं कि आपकी एक ही रूटीन होती है, तो आज की बात आपने कहना नहीं है कि हमारी एक रूटीन होती है। देखिए जी मैं रोटी बना रही हूँ और बाजी जो है वो आज हड्डियाँ बना रही है। ये देखें जी व्यूअर्स, बेगम साहिबा रोटी बना रही हैं और भाभी जो हैं वो टिक्कियाँ बना रही हैं। पीछे बाजी बैठी हुई हैं कंबल लेकर, उनको बहुत ठंड लगी हुई है। हाँ जी खाना आज लेट हो गया, कोई बात नहीं। हाँ जी बस दो रोटियाँ रह गई हैं। अच्छा तो बस खाना फिर तैयार है। ठीक है फिर बाजी अब बनाने लगी हैं अंडे वाले शामी कबाब।
तसीफ आ गया जी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। भूख लगी है? बहुत ज्यादा। अच्छा, बस कबाब बने हुए जी। तसीफ को कबाब बहुत पसंद है, आज आपके लिए पसंद का खाना बनाया। कितनी रोटियां बनाया आपकी? दो, दो। मैंने दो ही बनाई। चले जी, टिप करें जी अंडे में। ये देखिए जी, आप ये अंडे वाले बनाएंगे। तो बस रोटियां बन चुकी हैं, शामी कबाब भी बन चुके हैं, तो अब मैं लगाने लगी जी दस्तरखान और खाने लगे जी खाना। हस्बैंड साहब किधर जा रहे हैं? तो सीख अंदर चला गया है जी। जी हाँ, खाना तैयार हो गया। चले जी, मैं लगाती हूँ जी दस्तरखान। तो भैया ये देखिए जी, जल्दी जल्दी मैंने दस्तरखान लगा दिया है। बाजी जान आ जाए, हस्बैंड साहब भी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या टाइम हो गया? ये घड़ी खराब हो गई है जी, फिर इसको कोई बीमारी पड़ जाती है तो आप वो इस घड़ी को उतार दे। पौने आठ हो गए जी। देखिए जी, हम बैठ चुके हैं खाने के लिए, और सबसे पहले जी टाइम वेस्ट किए बगैर आपके साथ इसके लुक शेयर कर देते हैं। आज के जी हमारे कबाब जो है वो किस तरह के बने हैं देखिए जी, माशाल्लाह जबरदस्त लुक। ये अंडे वाले बने हैं और ये नीचे जो है वो बगैर अंडे के बने, उसके अंदर अंडा डाला हुआ है, और ऊपर वाले के जी अंदर भी अंडा है, बाहर भी अंडा है। चले बाजी डाल के दें जी, जल्दी जल्दी। चले जी स्टार्ट करते हैं जी डालना। डालें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे मुझे तो कबाब लग रहे हैं। पहली दफ़ा बनाए हैं जी, इसके अंदर गाजर मिक्स की है और बाकी मसाले मिक्स किए हैं जी। देखिए जी, सारी प्लेटों में जी बाजी ने कबाब डाल दिए हैं। और ये देखिए जी, ये डाले जा चुके हैं जी कबाब, और ये है जी साथ रायता हमारा पड़ा हुआ था पहले का। तो अब जी खाना खाते हैं और आपके साथ शेयर। बस जितने हम फैमिली के मेंबर हैं जी, सबकी बाजी ने कबाब डाल दिए हैं और अपने अपना जी हम हिस्सा लेने लगे हैं। बच्चे भी जी साइडों पे ही हैं, वो खाने के लिए तैयार है, तो वो सबको खाना भी देते हैं। चले जी रोटी भी दिया। हाँ जी, रोटी डाल दीजिए। तो ये देखे जी, खाना सामने आ चुका है, तो बिस्मिल्लाह करके जी टाइम वेस्ट किए बगैर जी टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं और आपसे इजाजत लेंगे जी खाने के बाद। जल्दी जल्दी जबरदस्त, बहुत मजेदार बनी है। माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त खाना बना है, टेस्टी बने हैं। ये जो कबाब बने हैं जी, बहुत ही डिफरेंस कोई जायका आ रहा है, बड़े मजेदार मजेदार बने हैं। माशाल्लाह जी, ऐसा का पहला जायका नहीं कभी था। आपको कैसे लगा बाजी? ऐसा लग रहा है इसके अंदर कोई चिकन डाला हुआ है, शामी कबाब। हाँ जी, तो आप खाना खाएंगे और आशा ज्यादा जाएंगे। उम्मीद है कि आपको आज हमारा शाम का रोटी सारा शाम का खाना जरूर पसंद आया होगा। तो हस्बैंड वाइफ बेस्ट होती है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और इतना अच्छा खाना खाने का जी सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जी आपसे इजाजत लेने से पहले भी आपको एक बार बता देते हैं, हमारे अक्सर सब्सक्राइबर आपसे पूछते हैं कि आप आपस में क्या लगते हैं। तो हर बहुत दफा जी हमने वीडियो में बताया हुआ है, तो शायद न्यू आते हैं जिनको पता नहीं होता, तो आज फिर बता देते हैं जी। ये वाली बाजी जो है वो मेरी फूफो की बेटी है और मेरी जेठानी है, और ये वाली जो बाजी है ये मेरी सिस्टर है, और ये मेरे हस्बैंड है। और इस बाजी के जो इन बाजी के जो हस्बैंड है जी वो इस्लामाबाद होते हैं, तो इनके जो हस्बैंड है वो फाफाबाद होते हैं। उम्मीद है बस जो न्यू आने वाले हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको जरूर समझ आ गई होगी। तो अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, और अल्लाह पाक जी जितने भी हमारे
सब्सक्राइबर व्यूवर्स और जितने भी हमारे बहन भाई हमें वीडियो वॉच करते हैं, हमारे जो नहीं भी करते जी, सबके रिज़्क में अल्लाह पाक इजाफा फरमाए और सबको सेहत और तंदुरुस्ती। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप इजाजत है ले और खाना खाएंगे, ठीक है व्यूवर्स, इसके साथ ही हम इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, खुदा हाफिज। ये देखिए जी, इसके अंदर से भी लुक दिखा देते हैं।